Hey guys, welcome back to the channel. आज के वीडियो में मुझे आपको लेकर जाना है दुबई और उसका एक वर्चुअल टूर देना है। और अगर आप फ्यूचर में दुबई ट्रिप भी प्लान कर रहे हो तो दिस वीडियो विल ऑल्सो सर्व एज अ ट्रैवल गाइड, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा द मस्ट विजिट प्लेसेस, अमेजिंग थिंग्स टू डू एंड द बेस्ट प्लेसेस टू ईट, एस्पेशली इन अ बजट फ्रेंडली मैनर। और अगर आप यहाँ पे नए हो तो मैं एक फुल टाइम डॉक्टर हूँ और अपने क्लिनिक से आने के बाद फ्री टाइम में ट्रैवल वीडियोज बनाता हूँ। और ये सीरीज में वी हैव बीन रोड ट्रिपिंग अक्रॉस ऑल ऑफ यूएई के काफी रिमोट प्लेसेस जाकर अभी फाइनली दुबई पहुंचे हैं। तो मेक श्योर टू चेक आउट द यूएई प्लेलिस्ट आफ्टर यू सी दिस वीडियो। एनीवेज, तो अपने हेडफोन्स लगा लो एंड एंजॉय द वीडियो। Guys and welcome to another video. आज के वीडियो में I want to show you the best things to do, see where to go, where to eat, everything to see in Dubai. हम लोग यहाँ पे 5 दिन है, हम लोग अभी जस्ट हमारे Airbnb चेक इन किए हैं। लेट मी गिव यू अ क्विक टूर ऑफ आर Airbnb एंड देन वी आर गोइंग आउट टू एक्सप्लोर दुबई। तो हम लोग दुबई में रह रहे हैं इन दिस प्लेस कॉल्ड एज दुबई मरीना। इफ यू गाइस वांट टू स्टे हियर, इसके लिंक्स वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो बेसिकली इट्स लाइक अ वन बेडरूम हॉल किचन विथ व्यूज ऑफ द पाम आइलैंड्स, एंड यहाँ से दिख रहा है पाम आइलैंड्स, अटलांटिस दिख रहा है, बाजू में देयर आर लाइक बिग स्काई स्क्रेपर्स। एंड अगर दुबई आ रहे हो तो ट्राई एंड स्टे एट अ हायर एल्टीट्यूड बिकॉज व्यूज फ्रॉम एनीवेयर इन दुबई आर गोना बी इनसेन। लेट्स हेड आउट टू एक्सप्लोर दुबई, चलो। फर्स्ट डे पे चेक इन करने के बाद हमारा फर्स्ट स्टॉप था द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, बुर्ज खलीफा। शाम के 4 बज रहे थे एंड आई वांटेड टू बी एट द टॉप ऑफ बुर्ज ड्यूरिंग सनसेट, सो दैट हमको सिटी डे टाइम और नाइट टाइम में दोनों देखने को मिले। एंड ये ट्रांजिशन देखने में बहुत मज़ा आता है। तो वाइल यू आर एन्जॉइंग द ड्राइव फ्रॉम दुबई मरीना टू बुर्ज खलीफा, दुबई के बारे में थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ सो दैट आपको दुबई ट्रैवल करने में कोई कन्फ्यूजन नहीं होएगा। लाइक मुंबई, दुबई भी एक स्ट्रेट लाइन में लेआउट किया गया है। एयरपोर्ट से नज़दीक इज दिस एरिया कॉल्ड एज डेरा, जो कि ओल्ड दुबई है। यहाँ पे सब गोल्ड, स्पाइस एंड टेक्सटाइल मार्केट्स है। उसके ऊपर इज दिस प्लेस कॉल्ड एज द दुबई क्रीक एरिया, जहाँ पे दुबई स्काईलाइन का बहुत अमेजिंग व्यू दिखता है। मूविंग टूवर्ड्स द सेंटर वी हैव द दुबई मॉल, बुर्ज खलीफा एंड द डाउन टाउन बिजनेस एरिया। उसके साउथ में सबर्ब एरिया है, पब्लिक बीचेज है एंड द बुर्ज अल अरब होटल which is very close to the world famous islands called as the Palm Jumeirah. Palm Jumeirah se nazdeek is the Dubai Marina jahan pe hum log ruke the, because ye area mein kafi sare restaurants hai and night scene kafi epic hai. And Dubai ke outskirts mein desert safari and dune bashing hoti hai. With this basic understanding aap log Dubai easily navigate and plan kar paoge. Getting around Dubai kafi easy hai. Thankfully humne gaadi rent ki thi, to driving around Dubai is too much fun. And at the same time, very intimidating. So many exits, lanes, one ways. और अगर आपको abroad driving का experience नहीं है तो don't do it here for the first time, क्योंकि यहाँ पे offenders के लिए fines काफ़ी high है। But the plus point is के petrol का price सिर्फ 32 rupees per liter है। The next transport option is metro, monorail and buses, जो एक straight line में ये सब जगह cover करते हैं। ये काफ़ी इकोनॉमिकल है, बट इसमें वॉकिंग ज़्यादा है और स्टेशंस की एंट्री एग्जिट में बस के लिए वेट करने में टाइम काफ़ी चला जाता है। अदरवाइज टैक्सीज तो ऑलवेज अवेलेबल है, बट इफ़ यू डोंट प्लान योर आइटनरी केयरफुली काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकता है, क्योंकि दुबई का पूरा लेंथ ऑलमोस्ट 40 kilometers है विथ लॉट्स ऑफ टोल्स। तो अ केयरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ मेट्रो एंड टैक्सी इज़ द बेस्ट ऑप्शन इफ़ यू डोंट हैव अ कार। एंड विद डैट हम लोग फाइनली पहुँचे बुर्ज खलीफा। इसके बहुत सारे एंट्रेंसेज हैं, पर हम लोग ने एंट्री ली दुबई मॉल के पार्किंग से। बुर्ज खलीफा के लिए जितने एडजेक्टिव यूज़ करो उतने ही कम है। इट डेफिनेटली इज़ द ग्रेटेस्ट फीट ऑफ ह्यूमन आर्किटेक्चर। एट 828 meters एंड 160 floors, इट इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग एंड फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड। बुर्ज खलीफा इज़ सो बिग दैट दुबई में कहीं से भी बुर्ज तो दिख ही जाता है।
दुबई मॉल से हम लोग ने टिकट्स ली, बट ये आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो। इसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसके बाद ऊपर पहुंचे एंड एन्जॉयड द सनसेट फ्रॉम द 148th फ्लोर। इट वॉज मैजिकल। एंड जब सनसेट होता है, आजू बाजू की सारी लाइट जाग जाती है एंड दुबई स्काईलाइन को बहुत अमेजिंग लुक देती है। जस्ट एन्जॉय दिस शॉट्स। टॉप ऑफ बुर्ज हम लोग पहुंचे दुबई मॉल, जो बुर्ज से लिटरली अटैच्ड है। दुबई मॉल इज द बिगेस्ट मॉल इन द वर्ल्ड। फूड कोर्ट में अमेजिंग खाना खाया, थोड़ा शॉपिंग किया एंड जस्ट वॉक्ड अराउंड द मॉल। ये मॉल इतना बड़ा है कि इफ यू आर नॉट केयरफुल आपके 2 से 3 दिन ये मॉल देखने में ही चले जाएंगे। तो स्टिक टू योर शॉपिंग लिस्ट एंड मूव ऑन, बिकॉज दुबई में देखने के लिए और बहुत सारी चीजें हैं। दिस वॉज माई सेकेंड टाइम हियर, इसलिए मुझे ज़्यादा फोमो नहीं हुआ, बट फिर भी हमारे 5 दिन में हम लोग दुबई मॉल 3 बार पहुँच बैठे। वाई, आगे बताता हूँ। आफ्टर दुबई मॉल थोड़ा लेट नाइट ड्राइव के लिए हम लोग पहुँचे एटलांटिस होटल, जो पाम जुमेरा आइलैंड्स पे है। रात में दुबई का वाइब बहुत अमेजिंग है एंड कुछ नहीं तो जस्ट रोम अराउंड दुबई एट नाइट, बिकॉज ये एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग है। हे गाइस, टाइम हो रहा है अभी 11:30। डे 1 इन दुबई, हम लोग ने क्या किया, बड़ा लॉन्ग स्टोरी। हम लोग ने एयरबीएनबी में चेक इन किया, वी वेंट आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वेंट टू द टॉप ऑफ बुर्ज एंड व्हाट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस इट वाज। एंड आई हाइली रिकमेंड कि इफ यू गाइस आर गोइंग टू टॉप ऑफ बुर्ज, दुबई एक्वेरियम का टिकट साथ में ले लो, बिकॉज दे आर कम्बाइंड वहाँ पे एंड काफ़ी चीप रहते हैं वो। वेंट टू द टॉप, अमेजिंग एक्सपीरियंस, लव्ड इट। क्या शॉट्स लिए हम लोग ने वहाँ से। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि इवनिंग में गए थे हम लोग, सो 5:30। सो आई वुड रिकमेंड कि 5:30 जाओ, सो दैट यू गेट टू सी बोथ साइड्स फ्रॉम द टॉप, लाइक देयर इज डे लाइट ऑल्सो। एंड 7:30 होते होते वहाँ पर थोड़ा डार्क भी हो जाता है एंड यू गेट टू सी द लाइट शो नीचे एट द सेम टाइम, ऑल द लाइट्स कमिंग अप एट द सेम टाइम, विच इज़ जस्ट अमेजिंग। तो बस वहाँ पर गए दुबई मॉल में, अच्छा खासा शॉपिंग किया हम लोग ने। बट एनीवेज, उसके बाद व्हाट वी डिड, वहाँ से आए, थोड़ा खाना पिकअप किया है हम लोग ने एंड वी जस्ट ड्रोव टू द एज ऑफ द पाम, मतलब नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द पाम। एंड ऑफ कोर्स बिहाइंड मी एज यू कैन सी, दिस इज़ द एटलांटिस होटल। तो व्हाट अ लॉट ऑफ लोकल्स आर ऑल्सो डूइंग, के ये पाम के एज पे, यू नो हाउ मरीन ड्राइव इज बेसिकली मुंबई में, पीपल जस्ट कम हियर, गाड़ी पार्क करके यहाँ पे सिर्फ व्यू एंजॉय करते हैं। ये साइड पे पूरा ओशन है, पीछे एटलांटिस है एंड इट्स मेकिंग फॉर अ परफेक्ट सेटिंग। 11:30 हुआ है एंड हैविंग अ कार, आई मीन ऑफकोर्स बहुत कंफर्टेबल हो जाता है, बिकॉज कितना घूमोगे टैक्सी में, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे फिर टैक्सी का मीटर भी बहुत लंबा हो जाता है। तो दिस इज़ प्रूविंग टू बी वेरी इकोनॉमिकल राइट नाउ। बस आज का दिन ख़त्म करेंगे एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो। बाय। नेक्स्ट डे आराम से उठ के हम लोग पहुंचे मॉल ऑफ एमिरेट्स, जहां पे एक बहुत ही फेमस डिपार्टमेंटल स्टोर है कॉल्ड एज कारफोर। ये स्टोर दुबई में ऑलमोस्ट हर जगह पर है, बट मॉल ऑफ एमिरेट्स में ये बहुत बड़ा है। इट्स लाइक बिग बाजार बट बेटर। यहां पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं फॉर होम एंड सेल्फ केयर एंड पर्सनली मुझे ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत पसंद है। शावर जेल्स, शैम्पूज, डिप्स, चॉकलेट्स, इंस्टेंट नूडल्स एंड बेसिकली एवरीथिंग जो इंडिया में नहीं मिलता है। इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज़ कि जब आप दुबई में शॉपिंग कर रहे हो, आपको 5% वैट रिफंड मिल सकता है इफ़ योर बिल गोज अबाउट 250 दिरहम्स। और हर एक स्टोर में एक वैट रिफंड का काउंटर रहता है। ऑल यू हैव टू डू इज़ शो योर पासपोर्ट एट द वैट रिफंड काउंटर
एंड व्हेन यू आर फ्लाइंग आउट ऑफ दुबई, एक वैट रिफंड का काउंटर रहता है। वो लोग के सिस्टम में आपका पासपोर्ट नंबर रहता है, जितने भी आपने वैट रिफंड क्लेम किए हैं वो आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड में आ जाता है। अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जब आपका वैट रिफंड ज़्यादा होता है, स्पेशली ऑन प्रोडक्ट्स लाइक फोन्स, लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, शायद से आपको कभी कभी वो प्रोडक्ट दिखाने के लिए बोल सकते हैं, तो कीप दैट हैंडी। एमिरेट्स मॉल में शॉपिंग करते करते हमको ऑलमोस्ट 4 बज गए थे। उसके बाद हम लोग पहुँचे टू वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस इन दुबई, दुबई क्रीक। हे गाइस, टाइम हो रहा है अभी 5:30 एंड वी कम टू वेरी वेरी स्पेशल प्लेस इन दुबई। मुझे रैंडमली गूगल मैप्स पे दिखी थी एंड आई डेस्परेटली वांटेड टू कम हियर व्हेन आई वाज रिसर्चिंग फॉर द ट्रिप। एनीवेज, दिस इज द दुबई क्रीक। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, यहाँ पे अच्छा है, प्रोमिनेंट बनाया हुआ है, बाजू में से जो क्रीक है पानी पूरा जा रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज द व्यू फ्रॉम दिस प्लेस। लुक एट ऑल दिस, दिस इज द एंटायर दुबई स्काई लाइन। क्या व्यूज आ रहे हैं यहाँ से, इट इज सो ब्यूटीफुल। सनसेट या सनराइज के टाइम पे आओ, इट इज़ द परफेक्ट लाइटिंग टू विजिट दिस प्लेस। प्रोमिनेड है, यहाँ पे चिल करने का टाइम है, पानी लेकर आओ, नाश्ता लेकर आओ, जस्ट एन्जॉय द व्यूज। इट्स अ क्वाइट लिटिल पैराडाइज इन द मिडल ऑफ दुबई, सो ब्यूटिफुल। आई डेफिनेटली रिकमेंड यू गैस कम हियर वंस एंड बस लेट मी शूट सम शॉट्स फ्रॉम दिस प्लेस। चलो I have seen many sunsets in my life, but with these colors and the vibe, this was special. And with that, we drove back to Dubai Marina and had drinks and dinner at this place called as The Wok and called it a day. Next day, we wanted to explore the beaches and the coastline of Dubai. First stop was this public beach next to the Burj Al Arab Hotel and the Kite Beach, which is next to it. Hey guys, welcome to one of many beaches here in Dubai. And exploring the beaches and just lazing around the beaches is one of a very important thing to do when you guys are here in Dubai. Because yahan pe Dubai mein coastline bahut bada hai. It's really big and every 5 kilometers pe ek public beach to rahega hi. So usme se there is this public beach jo yahan pe Burj Al Arab के एकदम बाजू में है एंड इट्स वेरी क्वाइट प्लेस। पब्लिक बीच है, पीपल आर हियर स्विमिंग एंजॉइंग, तो एंड कम हियर, यहाँ पे प्रोमिनेड अच्छा है, बैठो चिल मारो। यहाँ पे थोड़े कैफेज हैं आगे, तो वी आर गोइंग टू बी डूइंग दैट अभी, बिकॉज अभी बस अभी टाइम हो रहा है 10 o'clock। एंड आगे नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू दिस प्लेस कॉल्ड काइट बीच, और काइट बीच में भी ऐसे बहुत सारे कैफेज हैं, तो यही सब करो, टिपिकल मॉर्निंग और इवनिंग, कम हियर। एंड यहाँ से जो व्यूज़ मिलते हैं ऑफ दिस प्लेस आर रियली रियली नाइस। सनसेट के टाइम पे और अच्छा लगता है, तो आई रिकमेंड सनसेट के टाइम पे आप। हमारे शेड्यूल के हिसाब से आई वॉज नॉट एबल टू प्लान दैट, बट द काइंड ऑफ व्यूज, द काइंड ऑफ शॉट्स आई एम गेटिंग ऑफ दिस प्लेस आर इनसेन। इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ना ये, सिर्फ एन्जॉइंग द आर्किटेक्चर, एन्जॉइंग द इनोवेशन ऑफ एंड द विजन ऑफ दिस प्लेस, बहुत अच्छा लगता है। तो एनीवेज, बस अभी काइट बीच जाएंगे, वहाँ के थोड़े शॉट्स दिखाऊंगा एंड उसके बाद जाएंगे एक्वेरियम। कल सी यू गाइस देयर, बाय। हे गाइस, तो अभी हम लोग पहुँचे हैं टू दिस प्लेस कॉल्ड एज काइट बीच, है ना। ये जगह की वाइब बहुत अमेजिंग है। एक साइड पे पूरा ओशन है, दूसरे साइड पे अच्छा प्रोमिनेड है फॉर वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, एंड दूसरे साइड पे देयर आर लाइक शॉप्स, मतलब कैफेज है, कॉफ़ी प्लेसेस है, योगर्ट की जगह है, रेस्टोरेंट्स है, एंड बेसिकली इट्स जस्ट अ नाइस प्लेस टू कम एंड चिल, हैव अ गुड टाइम, एन्जॉय द कोल्ड ब्रीज। एंड विंटर में आना यहाँ पे ऑफकोर्स फायदे की बात है, तो समर्स में तो यहाँ पे बेटा लग जाते हैं, इट इज़ वेरी वेरी हॉट। तो बस वी जस्ट गोइंग टू बी स्पेंडिंग सम टाइम हियर, व्लॉगिंग ऑन द गोप्रो अगेन, बिकॉज अगेन सब बड़ा कैमरा देख के यहाँ पे हर जगह मॉल, सिक्योरिटी, एवरीवेयर पीपल आर लिटिल बिट दिस थिंग अबाउट द कैमरा एंड द लेंस एंड द माइक। आई नो व्हाई दैट इज, सिक्योरिटी रीजंस के लिए रहेगा, बट अगेन आई एम स्टिल डूइंग द सेम थिंग।
मुझे पॉइंट नहीं समझ रहा है, बट एनीवेज ये थोड़ा वाइब एंजॉय करेंगे यहाँ पे। बहुत अच्छी जगह, डेफिनेटली मेक श्योर टू कम टू दिस प्लेस, इट इज़ अ मस्ट विजिट इन दुबई। चलो आफ्टर द बीच वी वेंट बैक टू दुबई मॉल, एज हमारे पास भुर्ज और एक्वेरियम का कॉम्बो टिकट था। विथ 10 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर, 140 स्पीशीज, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्वेरियम्स इन द वर्ल्ड एंड अ मस्ट विजिट व्हेन यू आर इन दुबई। इट्स सो बिग दैट यू कैन इवन स्कूबा डाइव इन इट। हे गाइस, दुबई मॉल में देयर इज द बिगेस्ट एक्वेरियम इन द वर्ल्ड एंड यहाँ पे मोर देन 200 स्पीशीज के अंदर फिशेज है। इट्स द बिगेस्ट एक्वेरियम इन द वर्ल्ड एंड टेक्निकली इफ़ यू वॉन्ट यू कैन स्कूबा डाइव इन साइड दिस एज वेल, विच इज़ इनसेन। बस अभी हम लोग अंदर जाने वाले हैं, ये सिर्फ GoPro से शूटिंग हो पाएगा बिकॉज बिग कैमरा से नॉट अलाउड। बस अंदर जाते हैं, अंदर से व्यूज दिखाता हूँ। अंदर एक टनल है थ्रू विच वी आर गोना वॉक, गोना बी अमेजिंग। चलो मॉल में थोड़ा और चिल करने के बाद हम लोग पहुंचे एमिरेट्स हॉस्पिटल इन जुमेरा। दिस इज बिकॉज इंडिया फ्लाई बैक करने के लिए यू नीड अ नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट। मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस लेटर। ये हॉस्पिटल 24/7 चालू रहती है एंड यू कैन गो एनी टाइम एंड द कॉस्ट ऑफ द आरटीपीसीआर टेस्ट इज 3,000 रुपीज। एज अ डॉक्टर अलग अलग हॉस्पिटल्स की फंक्शनिंग मुझे बहुत इंटरेस्ट करती है, तो दिस वॉज एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ फॉर मी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वी स्टार्टेड आर डे बाय गोइंग टू दिस प्लेस कॉल्ड इज मेदिना जुमेरा, जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल कमर्शियल एरिया है फॉर शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स। हे गाइस, तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टॉप इन दुबई इज दिस प्लेस कॉल्ड इज मेदिना जुमेरा। दिस प्लेस इज ऑफकोर्स आर्टिफिशियली मेड, बीच में वाटर है, बाजू में कैनाल्स है, शॉप्स है, कैफेज़ है एंड ऑफकोर्स विद द मैग्निफिसेंट व्यू ऑफ बुर्ज अल अरब। प्राइजेस की बात करें तो रेस्टोरेंट्स कैफेज डेफिनेटली ऑन द एक्सपेंसिव साइड, शॉप्स भी थोड़े मॉडरेट हैं वे यू गेट डिसेंट स्टफ़ फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब टर्किश लैम्प से लेके सुवेनियर से लेके यू गेट लॉट ऑफ स्टफ़, बट एट अ थोड़ा ऑफ स्केल मार्केट प्राइस है थोड़ा, बिकॉज ऑफकोर्स ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, बट डेफिनेटली यू गेट टू सी वेरी गुड स्टफ़। बट यहाँ पे बोर्ड वॉक है, बोर्ड वॉक इज सेल्फ इज एक्सपीरियंस इन इट सेल्फ, तो बोर्ड वॉक करने के लिए आ जाओ यहाँ पे मॉर्निंग में, इवनिंग में। व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, वाइब काफ़ी अच्छा है, छोटे से कैफे में कुछ छोटा लेके बैठो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। बस चलो कंटिन्यू करते हैं, एट यू गाइस। आफ्टर मेडिना जुमेरा वी ड्रो 50 किलोमीटर्स टू द ड्यून एरिया, जहाँ पे बहुत अमेजिंग ड्यून बैशिंग होती है एंड इट इज़ अ मस्ट डू इन दुबई। चेक इट आउट। Hey guys, next stop in Dubai, around 1 hour away from the main city, is a place for dune bashing, night safari, barbecue dinners, ATV, all adventure related activities अभी यहाँ पे होते हैं। It's a very big center जहाँ पे road पे दोनों side पे dunes है, the drive itself is very scenic and यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, like there are lots of people who ये activities करते हैं, जहाँ पे best price मिले वहाँ पे चले जाओ। We have come to this place, if you want इसके links वगैरह मैं description box में डाल दूँगा। As you can see, पीछे मेरे पीछे मेरे पूरे dunes हैं, ATV activities हो रही है, we went right up there, यहाँ पे जो है सबसे टॉप पे जो है वहाँ पे ड्यून था, इट वॉज लॉट ऑफ फन। तो यहाँ पे ड्यून बैशिंग इज द मेन एक्टिविटी, बेसिकली 4x4 में है, प्रेशर कम करके ड्यून्स के अंदर लेके जाते हैं, इट्स अ लॉट ऑफ फन, डेफिनेटली मस्ट ट्राई एक्सपीरियंस हियर इन दुबई। बट हमारे पास नाइट सफारी का टाइम नहीं है एंड इट टेक्स एटलीस्ट 7 hours, एंटायर थिंग टेक्स 7 to 8 hours। यहाँ पे आपको सनसेट पे अंदर ड्यून्स में लेके जाते हैं, बारबेक्यू डिनर रहता है, देयर इज अ नाइस डांस परफॉर्मेंस, इफ यू गाइस आर इनटू ऑल दैट डेफिनेटली ट्राई दैट, बट ऑनेस्टली वी डोंट हैव टाइम फॉर दैट। बस अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे, ये द वास्टनेस ऑफ द ड्यून्स इज जस्ट मैसिव, मतलब बहुत बड़ा है ये ड्यून। इफ़ यू थिंक, मुझे लगता था कि राजस्थान के सैंड ड्यून मैसिव है, बट राजस्थान के सैंड ड्यून्स डेफिनेटली मैसिव है,
बट ये कुछ अलग लेवल पे मैसिव है. दीज आर लाइक एंडलेसली तुमको सिर्फ यही दिखता है, देर इज़ नथिंग एल्स देयर एंड इट्स अमेजिंग. तो बस अभी यहाँ पे थोड़ा सनसेट का टाइम है, यहाँ पे थोड़ा चिल करेंगे. नेक्स्ट अभी थोड़ा गोल्ड सूक जाने का प्लान है हमारा, सिर्फ जस्ट टू एक्सपीरियंस द सूक्स. सूक बेसिकली इज़ द मार्केट हियर, तो वहाँ पे स्पाइस मार्केट है, गोल्ड मार्केट है एंड वहाँ पे पूरा क्रीक है, तो मुझे वहाँ पे जाने का मन है. तो चलो लेट्स कंटिन्यू एक्सप्लोरिंग दुबई एंड आई विल सी यू गाइस सून. After Dune Bashan, हम लोग पहुँचे डेरा, which is the old part of Dubai. Like Dubai Creek, ये area मेरे लिए बहुत special है. ये कोई बहुत fancy जगह नहीं है, but just think about the history and what this place signifies. Dubai के origins यहाँ से हुए थे. This was part of the old Silk Route and इसीलिए यहाँ पे gold and spice market बन गए हैं. Crossing the river on a traditional boat surrounded by markets which are thousands of years old during sunset when the locals are feeding the birds. This moment for me was the true essence of Dubai. More than what I ate or even what I shopped, this memory will always be there for me for the rest of my life. After that, we had dinner at this amazing place called as Arabian Tea House, which had very authentic Middle Eastern food. After that, we called it a day क्योंकि हम लोग को next day जाना था 7 बजे to this place called as Dubai Frame. Next day 6 बजे उठकर हम लोग निकले Dubai Frame के लिए. Dubai Frame पे मैंने एक surprise breakfast प्रिया के लिए plan किया था, because it was our 4th wedding anniversary. अर्ली मॉर्निंग बहुत फॉग था तो मुझे लगा पूरा प्लान फ्लॉप होने वाला है, बट थैंकफुली 8:39 तक पूरा क्लियर हो गया था. गाइस गुड मॉर्निंग, टाइम हो रहा है अभी 8:30 नॉट क्या 8:30 हाँ 8:20 एंड सॉलिड पोपट होने वाला है आज, बिकॉज लुक एट द वेदर, इतना स्मॉग है एक्चुअली मोर देन एनीथिंग. एंड वी हैव कम टू दुबई फ्रेम राइट नाउ. ऊपर से व्यूज अपेरेंटली अच्छे होते हैं, लेट्स सी वहाँ पे जाके ऊपर कैसा रहता है. सुपर सुपर क्लाउडी. थैंकफुली वो लोगों ने हम लोग को ऐसे बोला कि बिकॉज ऑफ द फॉग हम लोग को लेट हुआ एंड ब्रेकफास्ट जो था हमारा वो डिले हो गया था, बट आई थिंक दे विल गिव अस ब्रेकफास्ट इवन इफ यू आर लेट. दैट्स वेरी नाइस ऑफ देम. इफ़ यू गाइस आर कमिंग यहाँ पे ब्रेकफास्ट इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, बट ऑन रेगुलर डे यहाँ से ब्रेकफास्ट का व्यूज बहुत अमेजिंग है. लाइक फ्रॉम टॉप ऑफ द फ्रेम विद द सिटी स्काई लाइन आपको ब्रेकफास्ट कराते हैं एंड इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव. प्राइस यहाँ पे डाल दूंगा मैं. एंड डेफिनेटली ये मस्ट ट्राई एक्टिविटी है व्हेन यू आर इन दुबई. द पर्पस बिहाइंड द दुबई फ्रेम इज टू सिंबलाइज द मर्जिंग ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू दुबई. एंड बेसिकली फ्रेम से लेफ्ट हैंड साइड पे ओल्ड दुबई दिखता है, राइट हैंड साइड पे न्यू दुबई दिखता है. इट सिग्निफाइज दैट दुबई इज स्टिल मूविंग अहेड विद द टाइम एंड मॉडर्न भी हो रहे हैं, एट द सेम टाइम वैल्यूज सिस्टम भी इंटैक्ट रख रहे हैं. तो दैट इज़ वॉट इट सिग्निफाइज. एंड एज यू कैन सी थोड़ा मेरे पीछे दिस इज़ द दुबई फ्रेम. तो बस अभी थोड़ा ऊपर जाएंगे. हे गाइज वेलकम टू द टॉप ऑफ दुबई फ्रेम. थैंकफुली फॉर्चुनेटली वेदर क्लियर अप हुआ है, व्यूज इम्प्रूव हो रहे हैं एंड ऊपर से जो अमेजिंग व्यूज आ रहे हैं इट्स जस्ट ब्रिलियंट. एंड द हाईलाइट ऑफ द टॉप हियर इज़ कि यहाँ पे एक ग्लास पैनल है विच हैज सेंसर्स, तो एज यू वॉक वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है एंड यू कैन सी एवरीथिंग बिलो विच इज़ सो अमेजिंग. बट ये एक्सपीरियंस करना अमेजिंग है बिकॉज पूरा नीचे दिखता है, ग्लास फ्रेम है पूरा, तो दैट व्यू इज़ ऑल्सो वेरी नाइस. एंड या आई थिंक बस थोड़े यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे, एन्जॉय करेंगे, व्यूज एन्जॉय करेंगे. यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है, यू कैन स्टे हियर फॉर 1 आवर 2 आवर आराम से चिल कर सकते हो. तो दैट इज़ वॉट वी आर गोना बी डूइंग. तो चलो लेट मी शो यू सम फ्यू मोर शॉट्स ऑफ दिस प्लेस. चलो Thank you.
वॉज आर लास्ट डे इन दुबई एंड आई वॉन्टेड टू मेक द मोस्ट ऑफ इट. तो आफ्टर दुबई फ्रेम हम लोग पहुँचे वापस पाम जुमेरा, क्योंकि पहली बार हम गए थे तो नाइट टाइम था एंड मुझे डे टाइम के थोड़े शॉर्ट्स लेने थे. इट वॉज टोटली वर्थ इट. तो जस्ट चेक आउट दिस अमेजिंग व्यूज. After that, हम लोग वापस पहुँचे दुबई मॉल बिकॉज आई वॉन्टेड टू हैव लंच एट दिस प्लेस कॉल्ड एज ब्लैक टैप बर्गर्स, जो बुर्ज के लिटरली नीचे है. आफ्टर लंच वी जस्ट स्ट्रोल्ड अराउंड द दुबई फाउंटेन एरिया, थोड़े शॉर्ट्स लिए एंड वी वर जस्ट सोकिंग एवरीथिंग इन बिफोर वी लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट. सेइंग गुड बाय टू दिस ब्यूटिफुल प्लेस वॉज वेरी डिफिकल्ट, बट फाइनली वी लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट. हे गाइस, सो अभी टाइम हो रहा है 11:03. मैं अभी बैठा हूँ दुबई एयरपोर्ट टर्मिनल 2 के प्रायोरिटी पास के लाउंज में. लाउंज विजिट्स मुझे कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है बिकॉज ऑफ प्रायोरिटी पास. इफ़ यू गाइस डोंट नो हाउ, मैंने ऑलरेडी उसके बारे में एक वीडियो बनाया है, चेक इट आउट, यहाँ पे लिंक रहेगा. एनीवेज, बस अभी हम लोग आए हैं, वी आर फ्लाइंग बैक होम नाउ एंड जस्ट आई वांट टू टेल यू अ फ्यू थिंग्स अबाउट फ्लाइंग बैक टू इंडिया. फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर फ्लाइंग बैक देयर आर टू मेजर थिंग्स ऑफ लगेगी फ्लाइंग बैक टू इंडिया. वी आर फ्लाइंग बैक टू अहमदाबाद. तो हम लोग को वी नीड अ नेगेटिव RT-PCR टेस्ट फ्रॉम दुबई. दुबई में कोई भी हॉस्पिटल से RT-PCR टेस्ट कराओ, यहाँ पे कॉस्ट RT-PCR टेस्ट का 150 दिरहम्स है. तो वो हिसाब से आपका बजट कैलकुलेट करना, अराउंड 24-36 आवर्स में यहाँ पे टेस्ट आ जाता है. बहुत सारी हॉस्पिटल्स है, इफ़ यू गाइज वॉन्ट वो हॉस्पिटल का लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. 24 आवर्स भी ओपन रहती है, यू कैन गो एनी टाइम. तो फटाफट आपका हो जाता है. तो वंस आपका रिपोर्ट आ जाता है, एक एयर सुविधा का एक वेबसाइट है, वहाँ पे यू नीड टू रजिस्टर योर सेल्फ एंड अप्लाई फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम क्वारंटीन. तो एग्जेम्पशन फ्रॉम क्वारंटीन के लिए ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज़ योर RT-PCR टेस्ट, आपका फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ पे जा रहे हो एंड ऑल द बेसिक डिटेल्स. तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो चेक इट आउट. ये दो ही चीज़ जरूरी है, यू कैन फ्लाई बैक इन आपका अगर टेस्ट नेगेटिव है एंड इफ़ आर फ्लाइंग बैक इन 72 आवर्स पहले का है, तो यू डोंट नीड एंड टू डू एनी क्वारंटीन. अभी ये स्टेट वाइज वो डिफर करता है, तो अपने स्टेट का वो हिसाब से देख लेना. राइट नाउ, एज ऑफ नाउ, मुंबई में देर इज़ इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन, इवन दो इफ़ यू हैव RT-PCR टेस्ट, विच डज नॉट मेक एनी सेंस टू मी एज अ डॉक्टर, बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट कि काफ़ी लोग ट्रेन से एंड कार से एनी वेज ट्रैवल कर रहे हैं. पीपल आर फ्लाइंग इन टू बैंगलोर, पुणे, अहमदाबाद और एनी अदर प्लेस एंड वहाँ से ट्रैवल एनी वेज मुंबई कर रहे हैं, तो विट डज नॉट मेक एनी सेंस टू मी. बट एज ऑफ नाउ, अभी इंडिया दुबई का एयर बबल है, तो वी आर एबल टू ट्रैवल नाउ. दुबई में सब चीज़ सिस्टमेटिकली हो रही है, देर इज़ नो रिस्क, पीपल आर वेयरिंग मास्क, मॉल में भी रूल्स है, रेगुलेशंस है एंड काफ़ी सारी चीज़ सेफली आ रही है. लोकल टूरिस्ट, काफ़ी सारे टूरिस्ट भी आ रहे हैं, तो एवरीथिंग इज़ वर्किंग वेरी स्मूथली हियर, आपको दिक्कत नहीं आएगी. तो या आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो. इफ यू गाइस डिड, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू गिव अ बिग थम्स अप. इफ़ यू गाइस हैव एनी डाउट्स, पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, जितना हो सके मैं रिप्लाई करते जाऊँगा. एंड if you guys have already traveled to Dubai and if there are any recommendations that I have missed out on, please put it down in the comment section below so that future mein jo bhi ye video dekhe uska bhi fayda hai. So anyways, I'm just going to enjoy my food here in the lounge and hamari flight abhi around 45 minutes 1 hour mein hai. So yeah, that is it for now. Until next time, keep on traveling. I'll see you guys soon.